बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। लो पॉजिटिव एटीट्यूड, टाइटिंग एंड थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, दालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, डीयूटी के बारे में। आपने गूगल में टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पर कर देना है क्लिक और पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट सीएसई गाइड ऑफिशियल डॉट कॉम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये काफ़ी सारी स्कॉलरशिप ओपन हुई पड़ी है, सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन 2023-24 यहाँ पे क्लिक कर देना है। बीजिंग जोथांग यूनिवर्सिटी है, इस पर हम इंशाल्लाह जाके बाद एक वीडियो बनाता हूँ। दालिन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डीयूटी। ठीक हो गया, यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जी, दालिन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है, 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB पीएचडी वालों के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, कुछ भी नहीं करना। इस मतलब डेडलाइन थोड़ी सी करीब है, पहले है 20 फेब है, इससे पहले मार्च होती थी, 1 मार्च या 15 मार्च तक होती थी। ठीक है, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट की एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वाले में 40 साल है। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज ओके, ओके हो गया। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है डीयूटी का फॉर्म यूनिवर्सिटी पोर्टल, इसमें इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। ठीक है, मैं आगे जाके बताता हूँ आपके उसका क्या सीन होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये नीचे वाले, ये सारे, ठीक हो गया, यहाँ पे आपने इस ईमेल पे सेंड कर देना है, ये ईमेल दी गई है। जैसे आप जब सेंड करेंगे ना इस ईमेल पे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखना है, डीयूटी एप्लीकेशन नंबर जो आपका, जब आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल का फॉर्म सबमिट करेंगे ना, वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर यूनिवर्सिटी पोर्टल का एप्लीकेशन नंबर होता है, और जो सीरियल नंबर होता है वो सीएससी पोर्टल का होता है। ठीक है, इसमें आपने ख्याल करना है, ये डीयूटी का एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर प्लस ऐसे ही लिखना है, प्लस प्लस का निशान डालना है, और पासपोर्ट का जो है लास्ट नेम जो है वो, और प्लस पासपोर्ट नेम, एग्जाम्पल इस तरह लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है, अब्दुल प्लस मोहम्मद। ठीक है, इस तरह आपने जो है आपका लास्ट नेम प्लस पासपोर्ट नेम मीन्स के फर्स्ट नेम आपने वो लिखना है, ओके हो गया। इस तरह आपने वो लिखना है, ये सब्जेक्ट लिखना है और सेंड कर देना इस ईमेल एड्रेस पे। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, 2018 से 19 के बाद से नहीं करनी पड़ती, पहले करनी पड़ती थी। डीयूटी स्कॉलरशिप जो है आप, इसका रिजल्ट जुलाई के एंड में अनाउंस होगा, हो सकता है इस मतलब पहले भी हो जाए। सीएससी पोर्टल के पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये 2022 और 23 का पिछले साल का फॉर्म है और लास्ट ईयर का फॉर्म आप देखने के लिए आप वेबसाइट सॉरी सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तकरीबन सेम ही है फॉर्म, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेज हैं वो मैंने बता दी थी, फॉर्म कैसे फिल करना है आपने। यूनिवर्सिटी का पोर्टल का फॉर्म कैसे फिल करना है, ये एक जर्नल सा फॉर्म होता है सबके लिए, ये आपने जो है सब वो करना है, क्या कहते हैं उसे, इसको आपने फिल कर लेना है। बल्कि मैं आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके कोशिश जाने की कोशिश करूंगा, अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जा सका तो वहाँ पे आपने क्या करना है उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके हो गया। वैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली हैं वही जो नीचे दिए गए हैं, अब डॉक्यूमेंट्स का आपको पता चल जाना चाहिए, हो सकता है पोर्टल पे मुझे नाम करना पड़े, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सीएससी का फॉर्म आपने फिल करना है और इसमें कैटेगरी जो है वो बी होगी डेफिनेटली। उसके बाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल फॉर्म फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी पोर्टल हाईएस्ट डिग्री आपके पास पास होनी चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑफ सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट हाईएस्ट एजुकेशन, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट सॉरी क्या कहते हैं होप सर्टिफिकेट रिजल्ट होंगे, रिजल्ट कार्ड जो आपके होंगे वो। उसके बाद आपने स्टडी या रिसर्च प्लान 800 वर्ड से कम ना हो, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म प्लस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपकी लाजमी होनी चाहिए जब आपने अप्लाई करना है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको मसला है, आपने क्या करना है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सी एस सी गाइड ऑफिशियल, ठीक हो गया। सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे पड़ी हुई हैं और बहुत ही ईजी है, ठीक है। गूगल में आप टाइप करना है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सी एस सी गाइड ऑफिशियल, ये आ गई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये फॉर्मेट है, सेम टू सेम ये फॉर्मेट लेके इसको डाउनलोड कर लें, ये इमेज ही होगी, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके हो गया। डाउनलोड करके जो है ये टेस्ट आपने नेम सारा लिख देना है, यहाँ पे सारी चीज़ें ले जाना है आपने, ब्लड टेस्ट जो जो भी आपका डी एच क्यू है टी एच क्यू है जो भी, वहाँ पे ये सारे टेस्ट करवा लेने हैं, कोई मसला भी नहीं है, विदाउट दिस टेस्ट और कोई टेस्ट भी नहीं करवाना, ये आपने टेस्ट करवा लेने, ये लाजमी भेजनी है। मिस लूना है यहाँ पे होती हैं, वो बड़ी जो है एक्टिव होती हैं, तो वो जो है आपको आपकी कोई चीज़ मिस होगी वो आपको कह देंगे भाई ये चीज़ आपकी मिस है, फिर आप दोबारा आपको सेंड करनी पड़ेगी, आप पहले ही तरीके से अपने अप्लाई कीजिएगा, ओके हो गया। मेरे दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, किसी का कोई मसला होगा तो बताइएगा, मैं अपने दोस्तों से कहूँगा अगर कोई जेन्युइन रीज़न जैसे होती है कुछ भी कोई मसला, तो वो किसी की कोई शिकायत वगैरह मतलब कि वो इस तरह की कि मेरा ये मसला है वो मसला है, कोई जेन्युइन रीज़न अगर मुझे कोई पता ना हुई तो वो मैं दोस्तों से पूछ के बता दूंगा, ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इसके बाद आपकी पिक्चर, अगर 6 पिक्चर्स ये तो उस वक्त सेंड करनी होती है जब आप हार्ड फॉर्म में सेंड करते थे, अब तो हार्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन आप जो है अपनी एक तस्वीर भेज दीजिएगा, साथ ही अटैच कर दीजिएगा। एक्सेप्टेंस लेटर जो है ये, हाँ ये चीज़ एक्सेप्टेंस लेटर जो है इनका ये मैंडेटरी होता है, इसमें एक्सेप्टेंस लेटर बहुत, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आप अप्लाई मत कीजिएगा। इसके बाद दो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये भी जो है होना चाहिए। मैं इस पर जाता हूँ इनकी एडवर्टाइजमेंट पे, मैं देखता हूँ
क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा ये चीज़ें मैं आपको और भी बता देता हूँ, चलें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, मेजर लिस्ट यहाँ पे ये पड़ी है, पीआईडी के ये मास्टर के, ये अगर इनको प्रोफेसर की मेल्स होंगी, नीचे होंगी मेल्स बल्कि, तो ये आपने क्या करना है, ये आप देख लीजिएगा मेजर कौन कौन सी अवेलेबल है। एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो ये कर लीजिएगा, प्रोफेसर अगर मांगता है तो चेकिंग लिस्ट फॉर मास्टर, ये चेक लिस्ट आपने ये देख लेनी है। यहाँ पे जो है 3807 हो सकता है ये डाउनलोड, पता नहीं हो या ना हो, मुझे अब इसका क्लियर वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, ये अभी शो हो जाएगा, पता नहीं शो है, होता है या नहीं होता, बस देख लीजिएगा खुद ही, ओके हो गया। अब इसके बाद ये मास्टर के लिए जो है ये अलग है, और पीएडी वालों के लिए ये जो अलग है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लियाने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो पीएडी के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या करना है, लियाने गवर्नमेंट का ये फॉर्म आपने लाजमी जो है ये फिल करना है। ये आपकी अगर सीएससी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती तो लियाने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आपको प्रेफर करेंगे, सीएससी स्कॉलरशिप भी होगी, लियाने गवर्नमेंट की भी होगी। रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल जो है ये यहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर डाउनलोड कर लेना है इनके, अगर ये बनाने हैं तो इनके रिकमेंडेशन लेटर के सैंपल से बना लीजिएगा, अगर आपके अपने हैं तो वो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। स्टडी प्रपोजल ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और डीयूटी की जो है सुपरवाइजर लिस्ट, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ओके हो गया। अब आते हैं यहाँ पे जो इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी वही है, सारा कुछ वही है, सेम टू सेम ये जो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ वही है, ये मेजर लिस्ट वगैरह सारा कुछ वही। अब यहाँ पे करना क्या है, आप सोच रहे होंगे कि हम यूथ स्कॉलरशिप के हमने के लिए हमने अप्लाई करना है। यूथ स्कॉलरशिप इन दैट केस होती है कि अगर आप इसके लिए कोई अलग से अप्लाई नहीं होता, यूथ स्कॉलरशिप के लिए सी एस सी में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको सी एस सी स्कॉलरशिप नहीं ऑफर करते, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर की जाती है यूथ स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है यूथ स्कॉलरशिप दे देंगे। उनका स्टाइपेंड होता है 1800 होता है मेरे ख्याल में मास्टर के लिए, और 2000 या 2200 होता है पीएडी वालों के लिए। डॉर्मेटरी वगैरह सारा कुछ फ्री होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मैंने आपको कह दिए हैं। अब मुझे थोड़ी सी इसमें ये हो रहा है कि ये जो स्टडी प्रपोजल है और ये रिकमेंडेशन लेटर हैं, ये इनके पहले तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से नहीं थे, या उन्होंने जो है नहीं थे अपने हिसाब से, तो वो जो है अब उन्होंने अपने हिसाब से किए हैं, उनका अपना सैम्पल है। तो ये मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे सैम्पल डाउनलोड करके, ये क्या सीन है। इसके बाद स्टडी प्रपोजल का भी सैंपल उन्होंने अपना दिया हुआ है, तो ये नई चीज़ें आई हैं, मैं इसको एक मिनट इसको रिव्यू कर लेता हूँ कि ये क्या सीन है। अब रिकमेंडेशन लेटर जो है एसोसिएट बिटवीन द रेफरी एंड द एप्लीकेंट ऑनलाइन डिफरेंट एकेडमिक एंड सोशल क्वालिटीज फॉर बला बला बला, अब ये इस चीज़ का मैं थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करूँगा दोस्तों से कि ये क्या चीज़ है। ये अब नई ऐड की है उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर जो है, और उसके बाद स्टडी प्रपोजल है, ठीक है, और इसके बाद रिसर्च प्रपोजल जो है, इसको तो आप डेफिनेटली इसी के हिसाब से नेम ऑफ एप्लीकेंट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और सुपरवाइजर का नेम, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, सुपरवाइजर का नेम, फैकल्टी स्कूल और ये वो, आपने ये सुपरवाइजर साइन, तो ये आपने प्रोफेसर से ये भी करवाने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मजीद मैं ढूंढूंगा, लेकिन इसको आप लाजमी जो है इसी हिसाब से बनवाइएगा, रिसर्च प्रपोजल को बनाइएगा। बाकी उसका रिकमेंडेशन लेटर का मैं पता करता हूँ दोस्तों से कि इसका क्या सीन है, कि ये इस तरह बनवाना है, द लेटर शेल बी रिटन बिटवीन द ऑफिशियल लेटर हेड नेम ऑफ एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी टू अप्लाई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डियर एडमिशन कमेटी टू होम इट मे कंसर्न आई एफ सिचुएशन बिटवीन द रेफरी एंड द एप्लीकेंट। हाँ, ये आपको बनाने बनाने होंगे उनसे, जो आपके रेफरी हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं, हो सकता है यही होंगे। तो मैं ये दोस्तों से कंफर्म करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या सीन है इनका, तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये नई चीज़ है, ओके हो गया। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ, ओके हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।